जैसे ही एग्ज़ाम में इंटर किया जमालपुर में, वैसे ही देखा कि मैथिली ठाकुर का बोर्ड लगा हुआ है। और जैसे ही पूरा पढ़ने के बाद समझ में आया कि 8 तारीख को मैथिली ठाकुर जी आ रही हैं। देखिए बोर्ड लग गया है, अरे ये देखा, 8 तारीख को मैथिली ठाकुर जी आ रही हैं पानी टंकी मैदान जमालपुर में अपना प्रस्तुति देने और मतदाता को जागरूक करने के लिए वोट के लिए, क्योंकि मुंगेर जो है बहुत पहले से ही वोटिंग के मामले में, वोटिंग परसेंटेज के मामले में अच्छा रहा है और उम्मीद है इस बार भी अच्छा परसेंटेज रहेगा। यहाँ पे मैथिली ठाकुर मतदाता को जागरूक करने के लिए और अपने वोट के अधिकार के बारे में बताने के लिए प्रस्तुति देने आई हैं, आग्रह करने आई हैं। तो बहुत अच्छा स्टेप है, इनिशिएटिव है। पूरे देश में, पूरे बिहार में घूम घूम कर मैथिली ठाकुर जी, जो बिहार की एक आइकन है और बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो आकर के यहाँ प्रस्तुति देने वाली हैं 8 मई को। बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर के। और जब जैसे ही मैं देखा बोर्ड, मैं खुश हो गया, क्योंकि मैथिली ठाकुर जी पहली बार मुंगेर आ रही है और ये जो मूल रूप से भारतीय संगीत है, पुरानी जो हम लोग के घरों में गाया जाता था गीत, वो सारी गीतें लगभग बंद हो चुकी है। वो गाने वाली महिलाएं जो होती थी, 4-5 के लोग जमा होकर के गाती थी, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। तो उन सब चीज़ों को उठा करके आज मैथिली ठाकुर जी ने एक अलग ही पहचान दे दी है भारतीय संगीत को। कहीं ना कहीं वो एक समय था, एक दौर था, जब वो गीत गाए जाते थे और सब लोग बड़ी खुशी से शामिल होकर के उसको सीखते थे और गाते थे, जो कि आज के समय में वो धीरे धीरे धूमिल होती जा रही थी। और मैथिली ठाकुर जी को मैं करीब 2017 से देख रहा हूँ, हर जगह परफॉर्म करती थी, लेकिन निराश होती रही कई जगह ऑडिशन देने के बाद भी। आज ये समय है कि आज वो सफल हो चुकी है और भारतीय संस्कृति को उजागर करने के लिए, बचाने के लिए वो एक इनिशिएटिव लेकर के आज वो काम करते करते आज इस स्थान पर आ चुकी है कि आज देश विदेश में भी भारतीय संस्कृत संगीत का परचम लहरा रही है। देश विदेश में रहने वाले लोग भी आजकल आज भारतीय संस्कृति को समझने और सीखने के लिए उत्सुक हैं और हिंदी भाषा सीख रहे हैं, ताकि भारतीय संगीत को समझ सके, भारतीय संस्कृति को समझ सके और अपना सके, क्योंकि भारतीय संस्कृति में हर एक चीज़ों का समावेश है। जैसे जैसे पर्व आते जाते हैं और पूरे साल खरीदारी होती है, इकोनॉमिक सिस्टम भारतीय त्यौहारों पर निर्भर है और ये डिमांड और सप्लाई चेन को पूरा मेंटेन करती है। और उसी चीज़ में खादी वस्त्र जो होता है उसको प्रमोट किया जा रहा है, ताकि आप लोग स्वदेशी डिज़ाइन को पहने और लोकल जो होते हैं मैन्युफैक्चरर्स, उनको प्रमोट करने की ज़रूरत है। तो उन सब चीज़ों को लेकर के आज जो माहौल बनाया जा रहा है, पूरा धनतेरस में जो खरीदारी होती है वो एक हिस्सा होता है पूरे भारतीय इकोनॉमिक इकोसिस्टम का, वो पूरे देश में जो मंदी का स्थिति होता है वो पूरे खत्म कर देता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी इतने छोटे समय में, छोटे से वीडियो में बताना संभव नहीं है। डिमांड और सप्लाई चेन को कंटिन्यू रखता है, जिससे भारत में 2008 के बाद कभी भी मंदी नहीं आई। एक तो मिलते हैं 8 तारीख को। जय हिंद, जय भारत।